राजकीय इंटर कॉलेज में महिला शक्ति टीम ने छात्राओं को जागरूक किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज में महिला शक्ति टीम प्रभारी उप निरीक्षक रानी गुप्ता ने विद्यालय की छात्राओं को आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए मंत्र सुझाए। उन्होंने बताया कि आपातकालीन नंबर 1090 तथा 102 एवं 1076 नंबर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर डायल करके सहायता प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार 102 तथा 108 नंबर पर इमरजेंसी से स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने छात्राओं को बताया कि कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी समझ में आए तो तुरंत इन नंबरों को डायल कर सेवा प्राप्त की जा सकती है। प्रिंसिपल जितेंद्र राजपूत ने छात्राओं को टीम प्रभारी से बताए सुझाव को अमल में लाने का निर्देश दिया। इस दौरान महिला आरक्षी प्रियंका यादव, निशा कांस्टेबल अभिषेक यादव के अलावा कॉलेज के अध्यापक डॉक्टर हरिशंकर सिंह, शिक्षिका श्रीमती रूबी सैनी व श्रीमती सावी मिश्रा तथा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कई हेल्पलाइन नंबर ऐसे हैं जो आपको तुरंत तत्काल सहायता उपलब्ध कराएंगे, जिसमें कि एक नंबर है 1090 आपने सुना है। ये विभिन्न पावर हेल्पलाइन नंबर है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु कोई परेशानी हो आप इस पे कॉन्टेक्ट करें, कोई बात हो गई, दुर्घटना है या कोई इमरजेंसी में तत्काल सहायता चाहिए, आप 112 नंबर डायल करें। 112 क्या है? आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर। इसमें आपको तुरंत सहायता प्राप्त कराई जाएगी। और 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है। इसमें अगर आप वहां तक अपनी बात नहीं कर पा रहे हो जा करके, तो आप इस 1076 के नंबर के माध्यम से अपनी बात उनके पोर्टल पे बता सकते हो। और जैसे कि आप सभी छोटे हैं, छात्र हैं, 18 साल से कम हैं, तो छोटे बच्चों से कार्य कराना भी अनुचित है, उन्हें किसी बाल श्रम में नहीं लगाया जा सकता। अगर आपको ऐसे आसपास कोई ऐसा बच्चा दिखता है जो चाइल्ड लेबर का वर्क कर रहा है, तो वो पढ़ना चाहता है, हम उसकी सहायता नहीं कर पा रहे, तो आप इसकी भी कंप्लेन हम पे दर्ज करा सकते हो। इसका नंबर है 1098, ठीक है। ये चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आप उस बच्चे के लिए सहायता प्राप्त होगी, उसे शिक्षा के अवसर दिए जाएंगे, वो कहीं कोई जबरदस्ती उस पे काम करा रहा है, बाल श्रम करा रहा है, तो उसे उस जगह से मुक्त कराया जाएगा। और स्वास्थ्य सेवाओं के नंबर आपको पता ही है, 102 108। तो मैंने कितने नंबर बता दिए आप लोगों को? अच्छा ये बताइए, इमरजेंसी में अगर हमें हेल्पलाइन नंबर चाहिए होगा तो